बसपा सुप्रीमो का सिसवा में मना जन्मोत्सव। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में एक बार फिर जोश व खरोश के साथ उत्तर प्रदेश सुप्रीमो एवं बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मोत्सव का आयोजन महाराजगंज के सिसवा में आयोजित हुआ, जिसमें जनपद से लेकर बूथ स्तर तक के सभी छोटे बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे तथा बहुजन समाज पार्टी व बसपा सुप्रीमो मायावती के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा केक काटकर खुशियां मनाई गईं। मायावती के जन्मदिन पर सिसवा विधानसभा के देउरवा में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यकर्ता जमकर सपा व भाजपा के विरुद्ध लामबंद हुए तथा नोटबंदी के मुद्दे पर जहां भाजपा को घेरा, वहीं सपा की पारिवारिक कलह को ड्रामा करार देते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रामेबाज परिवार की संज्ञा दिया। एक के बाद एक कार्यकर्ता भाजपा और बसपा पर बरसते रहे। भरपूर जोश व खरोश में बीएसपी की पुनः सत्ता में आने की बात कहे तथा गुंडों भ्रष्टाचारियों की पार्टी सपा को करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा को भी आड़े हाथों लिया और मोदी को अब तक का सबसे भ्रष्ट नेता करार दिया तथा आर्थिक आपातकाल जनता के ऊपर थोपने का आरोप लगा दिया। इसी क्रम में 317 विधानसभा सिसवा से बीएसपी प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह उर्फ अंकित सिंह ने जनता से अपील करते हुए क्षेत्रीय एवं विधानसभा की विकास करने वाला नेता चुनने की बात कही तथा दबंगों और दलालों को भगाने की अपील भी किया। के दर्शन नहीं होता, लेकिन उनके दलालन के दर्शन जरूर हो जाते। तो निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपको दलाल युक्त नेता चाहिए कि दलाल मुक्त नेता चाहिए। क्योंकि दलाल युक्त के लिए तो माननीय जी विराजमान है, आपको सिर्फ एक शोषण ही वहां से उपलब्ध होगा, जनता का सिर्फ वहां से कष्ट ही उपलब्ध होगा। क्योंकि हर गांव में एक कार्यक्रम उनका चलता है, सीधे सीधे हर गांव में दो फांट करवा दो, एक फांट अपने पक्ष में आ जाएगा और दूसरा फांट अन्य दल में बिखर जाएगा, जिससे सीधे सीधे लाभ उनको मिल जाता है और जिसके वजह से वह इतने समय से सत्ता में काबिज रहते हैं। और सत्ता में काबिज रहने के बाद भी जनता हर 5 साल में यही कहती है, वोटवा तो दिया जाता, कैसे वो जीते जाता नहीं है, हम लोग घेरा जाते हैं। तो एक आंकड़ा मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहूंगा कि जो भी विधायक यहाँ से पिछला बार हुए, वह सिर्फ जितना वोट गिरता है उसका 25% वोट ही विधायक पा करके विधायक हो जाते हैं और बाकी का 75% वोट उनके खिलाफ में गिरता है। तो विधायक जी सिर्फ 25% वोट पा करके जीत जाते हैं, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि बाकी जो 75% वोट है वो अन्य दलों में बिखर जाता है। अरे कोई भाजपा में दे देगा, कोई सपा में दे देगा, कोई किसी अन्य पार्टियों में दे देगा, कई तरह की छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जिसके वजह से उस लाभ जो है सीधे सीधे उनको मिल जाता है और इसी वजह से उनका भी सीना गदगद हो जाता है कि जब बिना कुछ किए और बिना कहीं गए हमको वोट मिल जाता है तो हम इस क्षेत्र में विकास क्यों करें, यह विधायक जी का विचार। और इसी विचार के चलते आजादी के इतने साल बीत गए, इस क्षेत्र में विकास की नाम कहीं नामो निशान तक नहीं, लेकिन आपकी जरूरत है, आपके विचार की जरूरत है कि आप लोग अपने विचार को एक जगह स्थिर करें। कौन से पार्टी से कौन आता है इस चीज को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि पार्टी से कोई भी आ जाए, अन्य पार्टियों से कोई भी आ जाए, प्रत्याशी कोई भी आ जाए, एक चीज का आकलन आप जरूर कर लीजिएगा कि प्रत्याशी में वो दमखम है कि नहीं, कि मौजूदा विधायक और उनके तानाशाही रवैये से वो आपको निजात दिला सकता है कि नहीं दिला। सिर्फ बड़े बड़े नेता, दिल्ली में बैठे नेताओं की योजनाओं से आपका लाभ नहीं होगा। आप दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की योजनाओं को देख करके अगर किसी से प्रभावित हो जाएंगे तो फिर आपको शोषण और फिर आपको उत्पीड़न झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आज यदि आप मन बनाते हैं किसी अन्य दल को वोट देने के लिए,
तो हो सकता है आपका वो एक वोट दूसरे दल में गिरे, लेकिन उसका फायदा तीन वोट के बराबर का फायदा माननीय विधायक जी को चला जाएगा, क्योंकि 25% और 75% में वही फासला है। इस चीज को समझना आपको है। तो दल के भावनाओं में ना बहिए। अन्य दल के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि दल के भावनाओं में ना बहिए, दल की सीमाओं को तोड़ करके एक दल के नीचे, एक छतरी के नीचे आइए, ताकि हम लोग बहन जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ही बहन जी के माध्यम से, बहन जी के हाथ मजबूत होने के माध्यम से आपके हाथ, आपके क्षेत्र के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आगे खड़े हैं। जिस तरह से आम जनता में ये चर्चा है, आम जनता में ये बात है कि वर्तमान सरकार के विकल्प में तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, उसी तरह से आपको एकजुट होना पड़ेगा और यह विकल्प के तौर पे हम लोगों को मजबूती देना पड़ेगा कि मौजूदा माननीय जी के विकल्प के तौर पर हमी लोग एक मार्ग एक ऐसे विकल्प है जो उनको टक्कर दे सकते हैं, जो उनके उत्पीड़न से जनता को मुक्ति दिला सकते हैं। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोग मजबूत हों तो अपने क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जाए, मजबूती पिछड़ेपन से निजात दिलाने की, मजबूती क्षेत्र में विकास लाने की, और ये तभी संभव है जब आप लोग मन बना करके हम लोगों को सहयोग देंगे, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप आकलन करें तो कुछ पुराने नेताजी, वर्तमान नेताजी भी, कुछ पुराने नेताजी जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति इतने सालों से चल रही है कि अब वो राजनीति करते करते थक गए हैं। और यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे मैं ये कहना भी चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा कि आप जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके घर में जो आपका बेटा होता है वो आपका काम, आपका खेती बाड़ी आपको आगे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह से जब कुछ इस क्षेत्र के नेता जब बूढ़े हो चुके हैं, उनके खुद के चलने की क्षमता नहीं, तो वो विधानसभा को आगे क्या चलाएंगे, इसका आकलन आप लोग कर लीजिए और इसी के साथ नए पीढ़ी को आगे मौका दीजिए। क्योंकि जब तक नया पीढ़ी आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक नए पीढ़ी के लोगों को राजनीति में मौका मिलेगा नहीं, तब तक नया विचार आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी भी दलगत भावना में बैठ जाएं, चाहे भाजपा अपने क्षेत्र के बदहाली, अपने क्षेत्र के विकासहीनता के लिए जिम्मेदार अपने ही क्षेत्र के पुराने नेता हैं, तो अपने ही क्षेत्र को बनाने की जिम्मेदार भी अपने ही क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको समर्थन देना पड़ेगा, तब जा करके इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक उम्मीद जगेगी, एक विकास की उम्मीद और एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। अभी आपने देखा हमारी बात हुई सिसवा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी बाबू अंकित सिंह से। आइए जानते हैं आम जनता की क्या राय है इस बारे में। आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, अभी आप यहाँ जी जी यहाँ पे पार्टी का जो है मोहन मायावती जी का जो बसपा सुप्रीमो है उनका जन्मदिन का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या कहते हैं आप बसपा के बारे में? बसपा बहुत अच्छी पार्टी है, इसकी जो मुखिया है उनके समय में कानून व्यवस्था एवं चुस्त दुरुस्त रहती है। आज वर्तमान सरकार को देखा जाए तो कहीं कानून व्यवस्था का रूप दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि बसपा में कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त रहती है। आइए मिलते हैं एक और, अमरेंद्र, इस तरह से देखते हैं आप सिसवा विधानसभा में और उत्तर प्रदेश के लिए जो चार वर्ष सरकार में रह चुकी। इस समय तो पूरे जनमानस में बहुजन समाज पार्टी को ही उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, उनके पिछले कार्यकाल को देखा जा रहा है। जनता यही कहते फिर रही है कि बहन जी का ही सरकार अच्छा था, उसमें उनकी कार्य प्रणाली जो है बड़ी अच्छी थी, और इस समय तो सपा की सरकार में गुंडा राज कायम रहा और माननीय मोदी जी का कथनी करनी में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। इसलिए आम जनमानस में बहुजन समाज पार्टी के प्रति, देखिए यहाँ जनता मोदी जी के जो नोटबंदी के प्रकरण है उस पर भी काफी एंटी दिख रही है, और सपा सरकार में गुंडागर्दी की चर्चा ये लोग कहते आ रहे हैं कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती रहती है। आइए जानते हैं एक राय, आपका क्या नाम है? शिवम चौबे। शिवम चौबे, चौबे जी, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया शासन काल रहा है, सपा को गुंडा पार्टी का
से बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में कानून चुस्त दुस्त थे, बढ़िया शासन की है, जितने गुंडे थे सब जेल के अंदर थे। क्या लगता है आपको कि सिसवा विधानसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? इसमें बहुजन समाज पार्टी के अंकित सिंह ऐसे प्रत्याशी विधायक छवि के, पूरी जनता इनको चुन रही है, पूरे युवाओं का समर्थन इनको मिल रहा है, इस बार विधायक यही बनेंगे यहाँ से। आइए मिलते हैं अब हम सिसवा विधानसभा में बसपा के सिसवा विधानसभा अध्यक्ष रोशन मधेसिया जी से और जानते हैं इनकी जुबानी। अभी आप यहाँ पे बसपा में किस पद पर हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय मधेसी वैसे सभा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और स्थानीय और हमारे समाज के प्रति जो भी हमारे समाज के लोगों का रुझान है और जो सत्ता में संख्या के आधार पर भागीदारी की बात करने के जो नारा है हमारे आदरणीय भवन कुमारी मायावती जी का, उससे प्रभावित होकर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारे पूरे समाज के लोग इस विधानसभा में हैं। तो मधेसिया जी, बसपा जो है दलितों की पार्टी रही है, दलितों के लिए काम करती रही है, दलित वर्ग जो है आंख मूंद कर बसपा को सपोर्ट करता है, इसमें एक पिछड़े वर्ग से आते हुए आप बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको इसमें ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं? जी, निश्चित रूप से संभावनाएं दिखती हैं। देखिए, अगर मैं अपने आप को जातिवादी कहूं तो इसमें मुझे कोई परहेज नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी है, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी का जेब का वोट कहा जाता था, उनका पारंपरिक वोट कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आज हमारा एक प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको प्रत्याशी उतारने की बात आती है तो वैसे समाज के कितने लोगों को आपने क्या हिस्सेदारी दी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे समाज का लगभग 90 से 95% वर्ग व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग ये जो अभी नोटबंदी की स्थिति है उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है वो व्यापारी वर्ग है। आज आपको मैं अलग से एक बात बता दूं कि आज कहा जाता है कि बैंकों पर लाइन समाप्त हो गई है, उन बैंकों से जाके पूछिएगा तुम्हारा बैंक किस पर निर्भर है, किसानों पर निर्भर है कि व्यवसायियों पर निर्भर है। और मैं आज आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ, जिस बैंक को व्यापारियों का सहयोग मिला है वही बैंक किसानों को और आम जनता को भुगतान कर पाया इस नोटबंदी के माहौल में, और आज इस नोटबंदी के माध्यम से हर एक व्यापारी की कमर टूट चुकी है और पूरा व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से जब 11 मार्च को इस पूरे उत्तर प्रदेश का जब मतगणना होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस भारी भूल का एहसास भी हो जाएगा। बिल्कुल मधेसिया जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव या फिर इसी क्रम में सिसवा विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव बसपा बनाम सपा होगा या बसपा बनाम भाजपा होगा? देखिए, आप एक बार और मैं आपके सवाल को जानना चाहूँगा, आप सिसवा विधानसभा की केवल बात कर रहे हैं तो मैं उस पर अलग से कुछ कहना चाहूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर अलग कुछ कहना चाहूँगा। आप अगर दोनों पे ही अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, 317 सिसवा विधानसभा की स्थिति मैं बता दूँ, यहाँ हर बार केवल झंडा बदला है, चेहरा वही रहा है, लोगों को यहाँ की विनाशवादी मानसिकता से ग्रस्त उन पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा गुस्सा है। और निश्चित रूप से आप खुद अगर यहाँ आए हैं तो आपको सड़कों की स्थिति अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप इस सिसवा विधानसभा के हर स्थिति से, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, उद्योग और व्यवसाय से जुड़ा हो, उसके बारे में आपको खुद पहले बेहतर जानकारी है। और इस पिछड़ेपन का जो कारण है उस कारण के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है और इस बार लोग झंडा नहीं बल्कि चेहरा बदलने की तैयारी में हैं, और ऐसे व्यक्ति को वो लोग अपने विधायक के रूप में चुनना चाहते हैं जो उनके बीच में सुलभ तरीके से उपलब्ध हो और जिसके पास सिसवा के विकास करने का अपना एक निजी कारण हो और उसका निजी हित सिसवा के विकास से जुड़ा हो। अंकित सिंह ने यह भी बताया कि आप दलीय सीमा तोड़कर सीधे विकास को वोट दें, आप तय करें कि आपके विधानसभा में दलाल युक्त विधायक चाहिए या दलाल मुक्त विधायक होना चाहिए, आदि मुद्दों को गिनाते हुए जहां भाजपा को धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी करार दिया, वहीं दूसरी ओर सपा को गुंडों की पार्टी करार दिया तथा बसपा को सबसे बेहतर पार्टी बताते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किया, तो सबकी सुरक्षा और सुशासन बीएसपी की सरकार को बता लोगों को अपनी लच्छेदार बातों से अपनी ओर मोड़ने का भरपूर प्रयास किया। सरकार बनती है, हम लोग मजबूत होते हैं, तो सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी की जो भूतपूर्व पहले की योजनाएं थी उसको फिर से लागू करवाया जाएगा। उसके साथ ही इस क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में
एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हर समाज के गरीबों के लिए कुछ न कुछ योजना को चलाती है, और वर्तमान में सभी योजनाएं बंद हैं। इससे हर समाज के गरीब लोगों का कोई भी भला नहीं हो पा रहा है। जन्मदिन पे किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? चूँकि आज बहन जी का जन्मदिन है, सबसे पहले आप सबके माध्यम से मैं बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, और साथ ही ये उम्मीद करूँगा कि हम लोगों के क्षेत्र की जनता एक बार हम लोगों को मजबूत करे, ताकि हम लोग सीधे रूप से बहन जी को मजबूत दिलाने का प्रयास करें। इस बार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ पार्टी की तरफ से विशेष किया जाएगा आपके चुनाव में? देखिए, अपनी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम लोग हर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उस क्रम में यदि कोई भी समाज साथ में जुड़ करके बहन जी को मजबूत करता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, तो उसका सीधा सीधा लाभ उसको बहन जी के सरकार बनने के बाद मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि दलित एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का बीएसपी को ही वोट करता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से क्या एजेंडा रहेगा कुछ विशेष दलितों के लिए? पार्टी का एजेंडा बहन जी के द्वारा आप लोगों को अभी मीडिया में बताया गया है, आपको उसकी जानकारी मीडिया में जो अभी चला है उसमें मिल सकता है। एक बात मैं स्पष्ट पहले आपसे अभी बोला कि जो भी योजनाएं गरीब वर्गों के लिए था, चाहे वो किसी भी समाज किसी भी वर्ग, सभी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा, जिसके तहत सब समाज के गरीब तबके को लाभ मिलेगा।